इंटाजेसिक MR, ये टैबलेट के बारे में जानकारी आप लोगों को देता हूँ। किन बीमारियों में दी जाती है, कितने डोज में क्या नुकसान आ सकता है, क्या सावधानी रखना है, इसके अंदर क्या क्या साल्ट होता है, कितने की मिलती है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इंटाजेसिक MR टैबलेट की बात करें, ये इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई जाती है, इसलिए इसके नाम में इंटा शुरू में वर्ड आता है। ये दवा क्या है, दर्द की दवा है, बेसिकली दर्द की दवा और साथ में मसल रिलैक्सेंट होता है। तो ऐसा दर्द जो मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से, मांसपेशियों में चोट लगने की वजह से हुआ है, उन कंडीशन में बहुत ही अच्छे से काम करती है। इस इंटाजेसिक टेबलेट के अंदर तीन दवाइयां होती हैं, तीन साल्ट होते हैं। एक होता है डाइक्लोफिनिक 50 मिलीग्राम जो कि दर्द और सूजन को कम करता है। दूसरा इसके अंदर होता है पैरासीटामॉल 500 मिलीग्राम, ये हल्का दर्द कम करती है और साथ में ये बुखार की दवा है। और तीसरा क्लोरजोक्साजोन 250 मिलीग्राम जो कि बेसिकली मसल रिलैक्सेंट, मसल के जो नर्व इम्पल्स है उसके जो दर्द के फाइबर है जो ले जाते हैं दर्द के सिग्नल, उसको ये कम कर देती है। कौन सी बीमारी में काम आएगी, कब दिया जाएगा, तो ऐसी कोई कंडीशन जिसमें दर्द हो रहा हो, सूजन हो रहा हो मांसपेशियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, चाहे इन्फ्लेमेशन की वजह से, चोट लगने की वजह से मांसपेशियों में खिंचाव हो गया हो, या किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है उसको चोट लग गई है, तो ऐसे कंडीशन में ये दिया जाता है इंटाजेसिक। बेसिकली अगर हड्डी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, मांसपेशियों के अंदर दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो दिया जाएगा। इसलिए जो अर्थराइटिस वाले पेशेंट रहते हैं उनमें बहुत अच्छे से काम करती है, और ऐसे मरीजों में अच्छे से काम करती है जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, सूजन होती है, उसको ये दवा अच्छे से काम कर देती है। और उन मरीजों में दिया जा सकता है या दिया जाता है जिनमें मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए, जैसे कि आपके गर्दन में हो जाए या पीठ में हो जाए या हाथ पांव में हो सकता है, कूल्हे में दर्द हो सकता है, तो इस तरह के कंडीशन में ये दवा अच्छे से काम करती है, काफी इफेक्टिव है। साइड इफेक्ट की बात करें, अगर आप थोड़े दिन तक लेते हैं तो हो सकता है बहुत ही हल्के फुल्के साइड इफेक्ट आए, लेकिन ऐसे मरीज जो ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं उनमें पेट के अंदर दर्द होना, ज्यादा एसिडिटी का बन जाना, कुछ लोगों को अल्सर बन सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मितली सी लग सकती है, जी घूम सकता है, दस्त लगता है, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन जो सबसे सीरियस साइड इफेक्ट इसका ये है कि लीवर की समस्या हो सकती है, कुछ लोगों में जॉइंटिस हो सकता है, लीवर के एंजाइम बढ़ सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके सीरियस साइड इफेक्ट है। सीरियस साइड इफेक्ट में किडनी का खराब हो जाना और लीवर का खराब होना, बाकी जो साइड इफेक्ट हैं वो उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वो जैसी दवा आप बंद करोगे ठीक हो जाएंगे। किनको ये दवा नहीं चलेगी, ऐसे व्यक्तियों में जिनके पेट के अंदर छाले पड़े हैं उनको नहीं देना, ऐसे लोगों में जिनका लीवर खराब है, और ऐसे लोगों में जिनका किडनी खराब है, या ऐसे लोगों में जिनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, खून बहने की प्रॉब्लम है, और गर्भवती महिलाओं में, और ऐसे लोगों में जिनको हार्ट फेलियर है, उनमें सावधानी से दी जाती या नहीं दी जाती। तो ये इसके कुछ सावधानी या कंट्राइंडिकेशन कह सकते हैं। इंटाजेसिक टैबलेट की डोज की बात करें, ये तो डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है, कई बार दिन में एक बार, कई बार ज्यादातर बार दिन में दो बार, या कभी कभी दिन में तीन बार भी दिया जा सकता है, मोस्टली दिन में दो बार दिया जाता है खाना खाने के बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको खाना खाने के बाद ही खाना, नहीं तो आपको ज्यादा एसिडिटी होगी, पेट के अंदर गैस्ट्राइटिस, जलन, दर्द, उल्टी की समस्या होगी, और जितने दिन तक डॉक्टर ने बोला है उतने दिन तक लेना है। कोशिश ये करें कि एसिडिटी की जो दवा होती है एंटासिड, उसके साथ ही लेना रहता है, क्योंकि लंबे समय में इसके साइड इफेक्ट आ जाएंगे, और आपको ये जो दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स में या कहीं पे, और उसके कारण को समझना है, क्योंकि ये दर्द की दवा है, जिस बीमारी में दी जाती है उसमें सिर्फ दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, उस कारण को नहीं ठीक करेगी। इसलिए दर्द के कारण को पता करना है और उसी को ठीक करना है। बहुत लंबे समय तक आप खाएंगे तो इससे साइड इफेक्ट आ सकता है। अगर इसके कीमत की बात करें तो ये 103 रुपए की लगभग पड़ती है 10 टैबलेट, मतलब कि आपको 10 रुपए की एक पड़ेगी। और एक इंटाजेसिक नाम की भी आती है टैबलेट, जैसे ये इंटाजेसिक MR की बात कर रहे थे हम लोग, जो इंटाजेसिक होती है उसमें सिर्फ दो साल्ट होते हैं, दो फार्मूले होते हैं, एक डाइक्लोफिनिक और पैरासीटामॉल, उसमें मसल रिलैक्सेंट नहीं होता। तो ये इंटाजेसिक MR टैबलेट के बारे में जानकारी है जो कि दर्द, सूजन की दवा है, स्पेशली उन मरीजों में जिनमें दर्द, सूजन के साथ में मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा हो। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो है एक टैबलेट के बारे में, ऐसे लोगों को जिनको लिखी गई होगी उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू।